डीडी किसान बदलते भारत की शान। डीडी किसान बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मैं हूं मोनालिसा। स्वागत है आप सभी का अपना पशु चिकित्सक कार्यक्रम। एक ऐसा कार्यक्रम जो पशुपालकों के लिए बेहद ही अहम है, क्योंकि पशुओं के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है ये कार्यक्रम। तो आज इस कार्यक्रम में भी हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करेंगे। जो किसान हैं वो बतख पालन के जरिए अतिरिक्त आमदनी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरी ये भी है कि वे उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखें। तो अपना पशु चिकित्सक कार्यक्रम में आज हमारी चर्चा का विषय रहेगा बतखों में होने वाली बीमारियों के बारे में। आज हम बात करेंगे, इसके लक्षण और बचाव के बारे में भी बातचीत की जाएगी, साथ ही उपचार की भी बात होगी। तो बतखों में होने वाले प्रमुख रोग, कारण, लक्षण और बचाव, ये हमारे कार्यक्रम के दौरान चर्चा का विषय रहेगा। और फोन इन कार्यक्रम होने के दौरान के कारण आप भी अपने सवाल पूछ सकते हैं टोल फ्री नंबर के जरिए। नोट कर ले हमारा टोल फ्री नंबर 1800-113-060 और 1800-113-061। इसके अलावा ईमेल के जरिए भी आप अपना सवाल भेज सकते हैं। ईमेल आईडी है ddkisan@gmail.com। ध्यान रखिए कि जब भी ईमेल के जरिए अपना सवाल भेजें तो साथ साथ अपना नाम और स्थान भी जरूर लिखें। और हमारे सवालों के जवाब के लिए विशेषज्ञ मेहमान हमारे साथ मौजूद है। आइए आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ डॉक्टर पंकज कुमार शुक्ला इस वक्त यहाँ मौजूद है। आप विभागाध्यक्ष है पोल्ट्री साइंस डिपार्टमेंट, वेटनरी कॉलेज मथुरा से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो डॉक्टर शुक्ला, आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे कि जो बतख है वो बतख पालन करके हमारे जो किसान है वो काफ़ी अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन अगर उनमें होने वाली बीमारियों की बात करें तो प्रमुख तौर पर किस तरह की बीमारियां इनमें अक्सर देखी जाती है? देखिए, जहाँ तक बतख पालन का सवाल है, हमारे देश में इस समय अगर देखा जाए तो बतखों की जो कुल संख्या है वो लगभग 50 से 60 मिलियन के आसपास है जी। और एक साइजेबल अमाउंट जो हमारे एग प्रोडक्शन का है वो बतखों के अंडों के द्वारा आता है। इसके साथ ही इन बतखों का इस्तेमाल मांस उत्पादन के लिए भी किया जाता है जी। और खासकर ये तटीय क्षेत्रों में, खासकर जहाँ पानी की उपलब्धता होती है वहाँ पे ये जरूरत से ज़्यादा पाए जाते हैं जी। हमारे किसान लोग सामान्यतः इन बतखों को अपने बैकयार्ड में रखते हैं और उससे लेकर के आगे तक बड़े फॉर्म के रूप में भी इसका प्रयोग करते हैं जी। अब जहां तक बात आती है बतखों के स्वास्थ्य की, तो हमारे को ये जानना अत्यंत आवश्यक होता है, और ये एक पूर्णतया और मूलतया एक नियम भी है कि बचाव में ही हमारी सुरक्षा होती है। बिल्कुल। तो कोशिश की जाए कि बीमारी का प्रवेश आपके पक्षियों तक, बतखों तक ना हो पाए, और उसके बाद अगर किसी भी तरीके से किसी बीमारी ने हमारे पक्षियों को अप्रोच कर लिया है, उन तक पहुंच गई है, तो उसको तुरंत पहचान के उसके कारण, लक्षण और उसके निवारण पर विचार किया जाए। बिल्कुल। तो सबसे अहम बात है कि जो बतख है वो बीमारी की चपेट में ही ना आए, इसके लिए बचाव के कुछ उपाय जिन्हें आप अपना सकते हैं, और इसके बारे में हम कार्यक्रम में आगे जानेंगे। लेकिन आइए उससे पहले नजर डाल लेते हैं इस रिपोर्ट पर। देश में अंडे और मांस की पूर्ति करने के लिए बतख पालन काफी लोकप्रिय व्यवसाय है। कम संसाधनों में इस व्यवसाय को आसानी से चलाया जा सकता है। उन्नत नस्ल की बतख एक साल में 300 से ज्यादा अंडे देने की क्षमता रखती है। आमतौर पर बतखों में कई बीमारियों की आशंका बनी रहती है, जैसे डक वायरस हेपेटाइटिस, बतख प्लेग, रिमेरेला एनाटी पेस्टिफर संक्रमण, एवियन हेजा। डक वायरस हेपेटाइटिस एक तरह की संक्रामक बीमारी है जो 1 से 28 दिन के बतखों में ज्यादा होती है। इस बीमारी में मृत्यु दर भी तेज होती है। बीमार बतखों में कई लक्षण देखे जा सकते हैं। रोगग्रस्त बतखों के पैरों में ऐंठन होने लगती है, बतख का यकृत बड़ा हो जाता है, बतख में रक्तस्रावी धब्बे दिखाई देते हैं। इस बीमारी को रोकने के लिए पशुपालक आयु के हिसाब से बतखों को अलग रखें और समय से टीका लगवाएं। बतख प्लेग,
जिसे बतख वायरस आंतशोथ भी कहा जाता है। बतखों में होने वाली संक्रामक बीमारी है जो हर्पिस वायरस के कारण होती है। ये बीमारी वयस्क बतखों को ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। इस बीमारी के लक्षण है रोगग्रस्त पक्षी का सुस्त होना, पक्षी का पंख गिरना, हरा पीला दस्त होना, नाक से खून टपकना, पूरे शरीर में ऊतकों में रक्त स्राव होना। इसकी रोकथाम के लिए टीकाकरण ही एकमात्र उपाय है, इसलिए समय रहते टीकाकरण करवाएं। रिमेरेला एनाटी पेस्टिफर संक्रमण। बतखों में ये रोग जीवाणु के कारण होता है। इसमें बतख के वजन में तेजी से कमी आने लगती है और रोगग्रस्त बतख की मौत हो जाती है। लक्षणों की बात करें, शारीरिक सुस्ती और आंखों से स्राव होना, पक्षी को दस्त होना, पक्षी का सिर ज्यादा हिलना और गर्दन मुड़ना। इसकी रोकथाम के लिए लक्षणों को पहचान कर पशु चिकित्सक से सलाह लें। एवियन हैजा, इसे फाउल हैजा भी कहा जाता है, ये बैक्टीरिया के कारण होता है। ये घरेलू बतखों की एक आम बीमारी है। ये बीमारी बाड़े में साफ सफाई ना रखने से होती है। एवियन हैजा रोग के लक्षण, बतख को भूखना लगना, मुंह से बलगम निकलना, सांस लेने में तकलीफ होना। इसकी रोकथाम के लिए बाड़े में सफाई रखना जरूरी है। बतखों में इसके अलावा और भी कई छोटी छोटी बीमारियों की आशंका रहती है, जिसके अलग अलग कारण हो सकते हैं। फसल कटाई से पहले और बाद में अनाज और तेलहन पर उगने वाली फफूंद से भी बतखों को हानि हो सकती है, क्योंकि बतखें इन विषाक्त पदार्थों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होती हैं। इसलिए सही समय पर टीकाकरण करवाएं, पशु चिकित्सक की सलाह जरूर लेते रहें। जहाँ तो जानकारियों से भरपूर ये अहम रिपोर्ट अभी आपने देखी। आइए अब बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और बातचीत हम आगे बढ़ाएंगे और चर्चा भी करेंगे बीमारियों के बारे में, लेकिन इस बीच कार्यक्रम के पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, आइए उनसे बात करते हैं। नंद स्वरूप मिश्रा जी बाराबंकी उत्तर प्रदेश से इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। जी नंद स्वरूप जी, पूछिए अपना सवाल। हाँ नमस्कार सर, मैं नंद स्वरूप मिश्रा हूँ बाराबंकी से। मैं जानना ये चाहता हूँ जो बर्ड फ्लू जो बीमारी होती है, कुछ जीवाणु रोग की बीमारी होती है, कुछ बैक्टीरियल रोग बीमारी होती है, ये बतखों से बचाने के लिए हमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए? जी जी बिल्कुल, आइए जानते हैं। जी डॉक्टर शुक्ला बताएं। मिश्रा जी, बड़ा सामयिक प्रश्न किया है आपने। बतखों में जो मुख्यतः बीमारियां होती हैं, दो प्रमुख कारण होते हैं उनके। एक होता है जो जीवाणु होते हैं जिनको हम बैक्टीरिया के नाम से जानते हैं, और दूसरी बीमारियाँ हैं जिनको हम विषाणु जनित रोग या वायरस के नाम से जानते हैं। तो बैक्टीरियल और वायरल डिसीजेज जो होती हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं। अब आपने पूछा है कि इनसे बचाया कैसे जाए, तो बचाने के लिए हमको बायो सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में रखना चाहिए। और ख़ासकर अभी आप लोगों ने देखा है कि जो हमने अभी एक पैंडेमिक झेला है कोविड का, उस समय पे आपने अपने खुद के लिए अपनी बायो सिक्योरिटी की व्यवस्था की थी। इसका मतलब बाहर से किसी भी जीवाणु का या विषाणु का अपने फॉर्म क्षेत्र पे या जहाँ बतखों को आपने रखा है वहाँ पे प्रवेश ना होने दें। और ख़ासकर फॉर्म एरिया जो होता है वहाँ पर जब भी कोई प्रवेश करता है या वहाँ से कोई जाता है, तो उसके खासकर जो चप्पल या जूते पहनता है या हाथ पैर है उनको धो करके जाएं। और सामान्य तौर पर ये देखा गया है कि जो हमारे फार्मर्स होते हैं वो चूने का एक लाइन लगा देते हैं और हमेशा जो भी उसके अंदर आता है वो उसको पैर उसके ऊपर रख करके और तब एंटर करता है। इन सब चीज़ों से जीवाणुओं का, कीटाणुओं का, विषाणुओं का जो प्रवेश होता है उसको हम मिनिमाइज़ करते हैं, उसको कमतर कर लेते हैं। और कोशिश करें कि जीवाणु जनित रोग जो हैं उनके लिए तो हमारे पास उपचार व्यवस्था होती है कि हम एंटीबायोटिक का प्रयोग करके उन बीमारियों से बतखों को, पक्षियों को बचा सकते हैं। पर जो विषाणु जनित रोग होते हैं, खासकर जो वायरल डिसीजेस होते हैं, उनसे बचाव के लिए हमारे पास टीके मौजूद हैं। तो आप अपने निकटस्थ पशु चिकित्सक से परामर्श करें, अपना एक टीकाकरण प्रोग्राम बनाएं और समय से उन टीकों को अगर लगाएंगे तो ये विषाणु जनित रोग भी आपके यहाँ नहीं होंगे। बिल्कुल, तो नंद स्वरूप जी उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। आगे बढ़ते हैं और ईमेल के जरिए हमारे दर्शक जो सवाल भेज रहे हैं आइए कार्यक्रम में से शामिल करते हैं। अंशुमन जी ने असम से सवाल भेजा है, उन्होंने कहा है कि मैंने घर में बतखें पाल रखी है, समस्या ये है कि बतख के अंडे खराब हो रहे हैं, ऐसा क्यों? जी हाँ, तो डॉक्टर शुक्ला क्या वजह हो सकती है अंडों के खराब होने की?
खासकर आसाम का जो इलाका है वहाँ पे बतखों का पालन प्राय बहुत संख्या में किया जाता है और बतख के अंडे खराब होने के कई कारण हो सकते हैं। मैं एक एक करके आपको कारण बताता जाऊंगा और उन चीजों का निवारण आप अपने स्तर से देखते रहें कि उसमें से अगर कोई भी चीज आपके यहाँ हो रही है तो उन चीजों को आप देख करके उनको समाप्त करने का कोशिश करें। सबसे पहली चीज है कि अगर बतख को सामान्यतया संतुलित आहार अगर नहीं मिल रहा है तो भी उसके अंडे जो हैं वो खराब आएंगे। और संतुलित आहार से मतलब मेरा है कि बतख को जिन भी चीज़ों की आवश्यकता है, पोषक तत्वों की आवश्यकता है, खासकर प्रोटीन, मेटाबोलाइजेबल एनर्जी, कैल्शियम, फास्फोरस, इन चार मेन चीज़ों के ऊपर ध्यान दें। और यदि आप बना बनाया आहार बाजार से ले रहे हैं तो वो उच्च गुणवत्ता युक्त होना चाहिए या हमारा ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के मानकों के अनुरूप होना चाहिए। दूसरा, कुछ विषाणु जनित रोग भी होते हैं जिनके कारण ये अंडे जो होते हैं ये खराब होते हैं, और कुछ आपके हाइजीन के ऊपर भी ये डिपेंड करता है कि अगर आपने घर में खासकर जहाँ पे इन बतकों को रखा हुआ है अगर उन घरों का रख रखाव ठीक नहीं किया है, आसपास जहाँ पानी में वो बतकें जाती हैं अगर वो पानी भी गंदा है, या ऊपर का जो इलाका जहाँ पे बतकें आकर के अपना दाना पानी और जहाँ रहती हैं अगर वहाँ का लिटर बिछावन इत्यादि भी अगर गंदा है तो अंडों के खराब होने की संभावना होती है। बिल्कुल, तो कई वजह हो सकती है और इसी तरह से बतकों के स्वास्थ्य से जुड़ी हुई बातचीत यहाँ पर जारी रहेगी। आप भी अपने सवालों के साथ जरूर जुड़े इस कार्यक्रम में। फिलहाल कार्यक्रम में वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहें दूरदर्शन के साथ पर। IPL Biologicals फसल को कीड़ों, रोग, दीमक सबसे बचाएगा और साथ ही साथ ये मिट्टी और फसल के स्वास्थ्य का ध्यान भी रखेगा। मतलब T20 और टेस्ट मैच दोनों में जीत। बिल्कुल, IPL Biologicals यूज करें अपने आज और अपनों के कल के लिए। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम अपना पशु चिकित्सक। आज हम इस कार्यक्रम में बात कर रहे हैं बतकों में होने वाले संभावित बीमारियों के बारे में। डॉक्टर शुक्ला, आपसे जानना चाहेंगे कि आपने संतुलित आहार के बारे में बताया, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर पोषण अच्छे से नहीं मिलेगा तो जाहिर तौर पर पशु का जो स्वास्थ्य है वो प्रभावित होगा, तो उचित पोषण के अभाव में किस तरह की बीमारियाँ हो सकती हैं? देखिए, जब भी हम संतुलित पोषण या संतुलित आहार की बात करते हैं खासकर बतकों के मामले में, तो अलग अलग कैटेगरी के बतकों के लिए अलग अलग मानक निर्धारित किए गए हैं। खासकर हमारे देश में दो प्रकार की बतकों का उत्पादन होता है, एक वो जो अंडा देने वाली होती हैं और दूसरा वो जिनका मांस के लिए उत्पादन किया जाता है। खासकर जो अंडा देने वाली नस्ल है भारत में जो दिखाई देती है वो या तो खाकी कैम्बेल होती है नस्ल या इंडियन रनर होती है, छोटे आकार का पक्षी होता है। और इनको हम तीन स्टेजेस पे रखते हैं। शुरुआती दौर पे जब चूजे की अवस्था होती है तो उस स्तर पर हम स्टार्टर आहार देते हैं जो संतुलित हो, उसके बाद उसकी ग्रोवर अवस्था आती है जिसमें वो ग्रो करता है, और फिर जब अंडा देना प्रारंभ करता है तब हम उसे लेयर स्टेज कहते हैं या अंडा उत्पादन करने वाली स्थिति कहते हैं। खासकर जब बतख अंडा का उत्पादन कर रही हो तब उसके जो आहार है उसमें प्रोटीन, उसकी मेटाबोलाइजेबल एनर्जी, उसमें कैल्शियम और फास्फोरस का संतुलन बहुत आवश्यक होता है जी। इसके अलावा विटामिन और मिनरल, इन दोनों की उचित मात्रा भी आहार में आवश्यक होती है, अन्यथा हमारे जो बतख हैं, जो पक्षी हैं, वो विभिन्न प्रकार के पोषक और कुपोषण की समस्या से जूझने लगे जाएंगे और उनकी उत्पादकता प्रभावित होगी। बिल्कुल, आइए आगे बढ़ते हैं, कुछ और सवालों को शामिल करते हैं। ईमेल के जरिए सवाल भेजा है राजेश कुमार जी ने और ये लिखते हैं कि बरसात के मौसम में मेरे तालाब का पानी बतकों को नुकसान न पहुंचाए, इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? जी डॉक्टर शुक्ला, क्या सुझाव? खासकर जब तालाब का पानी होता है और अगर रुका हुआ है और वहाँ पर अगर गंदगी ज्यादा है तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि स्वच्छ पानी में ही हमारी बतकें जाएं। खासकर आपने देखा होगा बतकें बार बार अपनी चोंच को पानी में डुबाती हैं खासकर अपने नॉस्ट्रिल्स को साफ करने के लिए। अगर उस अवस्था में गंदा पानी अगर बतकों के मुंह पे, नाक पे, आँख पर जाता है तो वो आने वाली बीमारियों का एक कारण बनता है। कोशिश करें कि अगर जो साफ पानी है वहाँ पे तैरें। हालांकि बतकों में एक नेचुरल गुण होता है, एक स्वाभाविक गुण होता है कि वे जहाँ पर तैरते हैं वो उस पानी को खुद भी साफ करते हैं। तो कोशिश करें कि तालाब में गंदगी ना हो
और अगर गंदगी है तो उसको उसकी स्वच्छता पर पहले ध्यान दिया जाए। जी आइए आगे बढ़ते हैं और भी सवालों को शामिल करते हैं। अगला सवाल भेजा है गगन बिहारी जी ने बेगूसराय बिहार से। पूछते हैं कि 6 महीने की बतख है, शरीर के बाल निकल रहे हैं, कोई बीमारी के लक्षण है या फिर बाल झड़ना साधारण है? जी अगर 6 महीने की अवस्था पे बाल झड़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कारण जरूर है। या तो जो संपूर्ण पोषण है वो बतख को नहीं मिल पा रहा है जी। या उसमें परजीवी के लक्षण हो सकते हैं, खासकर जो एक्टोपैरासाइट्स या बाह्य परजीवी होते हैं उनका भी आप उसकी संभावना को एक्सप्लोर करें, बाहर उस पर हाथ फिरा करके देखें कहीं टिक्स लाइस फ्लीज एक्सेट्रा तो नहीं है जी। एक कई बार ये फर का या बालों के झड़ने का या पंखों के झड़ने का एक कारण अंतः परजीवी भी होते हैं, खासकर जैसे हम लोगों में अंतः परजीवी होते हैं, आंतों में होने वाले कीड़े होते हैं, तो उनका रेगुलर डीवर्मिंग जरूर करनी चाहिए और रेगुलर डीवर्मर का इस्तेमाल करना चाहिए। तो अगर आप संतुलित पोषण का इस्तेमाल करेंगे, एक बार उनको अगर आप डीवर्मिंग करा देंगे और संतुलित मात्रा में विटामिन और मिनरल का मिक्सचर देंगे तो ये समस्या से निजात पाया जा सकता है। बिल्कुल डॉक्टर शुक्ला, आपने बताया कि जो बतख है उन्हें कई तरह के संक्रमण भी हो सकते हैं, बैक्टीरिया हो चाहे वायरस हो, इससे भी जुड़ी जानकारियां आपने दी है। जानना चाहूंगी कि क्या फंगल इन्फेक्शन भी किसी तरह का हो सकता है, किस तरह के ये संक्रमण हो सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल आपने किया है, खासकर बतखें जो फंगल इन्फेक्शन हैं और उनके जो मेटाबोलाइट्स होते हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं जी। बहुत बहुत ही ज़्यादा उस पर उनके प्रतिकूल असर पड़ता है और संवेदनशीलता इनकी खासकर माइकोटॉक्सिन्स को लेकर के बहुत ज़्यादा होती है। एक फंगस होती है जिसको हम एस्परजिलस के नाम से जानते हैं और एस्परजिलस को आपने देखा है, खासकर संक्रमण कई जगह होता है जी, जो बिछावन होती है वहाँ पर भी इस फफूंद का संक्रमण होता है, या जो खाद्य पदार्थ हम जो फीड हम बतख को देते हैं उसमें भी अगर मॉइस्चर का ज़्यादा मात्रा है तो खासकर मेज इत्यादि में इसका संक्रमण हो सकता है जी। अगर खाद्य पदार्थों में इसका संक्रमण है खासकर मेज में तो ये एक विशेष प्रकार का जहर या माइकोटॉक्सिन को पैदा करता है और वो टॉक्सिन बर्ड्स खासकर बतख उसके लिए बहुत संवेदनशील होते हैं और बहुत छोटी सी मात्रा जिसको हम 20 ppb के आसपास मानते हैं ये भी बतखों के लिए टॉक्सिक होती है, जो हेपेटोटॉक्सिक होती है, हेपेटोटॉक्सिक न्यूरोटॉक्सिक भी होती है जी। तो उसमें कई तरीके की आपको बीमारियों के लक्षण दिखाई देने लगते हैं और उनकी इम्यूनिटी भी डाउन हो जाती है, तो सारे तरीके के संक्रमण उनको घेर सकते हैं। तो इन दो चीज़ों से हमेशा हमें बच के रहना चाहिए, एक तो एस्परजिलोसिस का जो रेस्पिरेटरी ट्रैक का संक्रमण होता है वो उससे बच के रहें, खासकर लिटर मटेरियल से वो जाता है कि अगर वहाँ पे फंगस है और इनहेलेशन के द्वारा वो अगर हमारे श्वसन नली में चला जाता है और फेफड़ों तक पहुँच जाता है तो श्वास की बीमारी पैदा कर देता है, और अगर खाद्य पदार्थ के माध्यम से माइकोटॉक्सिन उनके शरीर में जाते हैं तो उसकी इम्यूनिटी को डाउन कर देते हैं और सारे तरीके के यकृत के और हमारे आंतों के और हमारे जो इम्यूनिटी होती है उसको भी वो डाउन कर देते हैं, कम कर देते हैं जी। तो इस तरीके से जो ध्यान रखना जरूरी है और कुछ सावधानियां बरत के जो बतख है उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखा जा सकता है। बातचीत इसी तरह से हमारी जारी रहेगी, साथ ही आप भी अपने सवालों के साथ जरूर जुड़े इस कार्यक्रम में। फिलहाल रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। IPL Biologicals फसल को कीड़ों, रोग, दीमक सबसे बचाएगा और साथ ही साथ ये मिट्टी और फसल के स्वास्थ्य का ध्यान भी रखेगा, मतलब T20 और टेस्ट मैच दोनों में जी। बिल्कुल IPL Biologicals यूज करें अपने आज और अपनों के कल के लिए। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम अपना पशु चिकित्सक। आज इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं कि बतखों में किस किस तरह की बीमारियां हो सकती है, बचाव के लिए आप क्या उपाय अपना सकते हैं, बीमारियों के क्या लक्षण होते हैं और किस तरह का उपचार संभव है। तो बातचीत को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि आप ही अपने सवालों के साथ इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। टोल फ्री नंबर है 1800-113-060 और 1800-113-061। इसके अलावा dd.kisan@apc.gmail.com पर आप ईमेल के जरिए भी अपना सवाल भेज सकते हैं। बातचीत को आगे बढ़ाएं उससे पहले एक ईमेल शामिल कर लेते हैं। हमारे दर्शक ने सवाल भेजा है महाराष्ट्र से। पलाश जी लिखते हैं कि बतख पैरों के सहारे नहीं चल रही है, उसके पैर सही लगते हैं लेकिन जमीन पर घिसटकर चल रही है,
तो क्या वजह हो सकती है इसके डॉक्टर शुक्ला, क्या करना चाहिए? ये अवस्था प्रारंभिक अवस्था में है या एडवांस स्टेज पे है ये इन्होंने नहीं बताया है, तो मैं दोनों पे चर्चा कर लेता हूँ। अगर ये चूजे वाली स्थिति में है या प्रारंभिक 1 से 5 सप्ताह की आयु का ये बर्ड है और इसमें ये दिक्कत देखने में आ रही है, तो ये एक बीमारी से भी हो सकता है जिसको हम मैरेक्स डिसीज के नाम से जानते हैं और इसके लिए एक टीका लगाया जाता है जो डे ओल्ड स्टेज में हम लगाते हैं। ये एक कारण हो सकता है। एडवांस स्टेज में अगर 4 हफ्ते से बाद की स्थिति में ये हो रहा है तो ये विटामिन और मिनरल की डेफिशिएंसी से हो सकता है। खासकर पैर पे चलने का जो बतख का अंदाज होता है वो विटामिन B2 की डेफिशिएंसी से होता है। अगर ये पंजा पीछे मुड़ता है जिसको हम कर्ल टो पैरालिसिस के नाम से जानते हैं, तो ये विटामिन B2 की डेफिशिएंसी से है। अगर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का मिक्सचर आप इसको देंगे या तो उसके दाने पानी में दे सकते हैं या उस दाने में दे सकते हैं या उसके पानी में दे सकते हैं, इमीडिएटली वो करेक्ट हो जाएगा। और अगर वो टखनों के ऊपर चल रहा है, खासकर उसका जो टेंडन होता है उसके ऊपर चल रहा है, तो उसको हम एक बीमारी के नाम से जानते हैं जिसको स्लिप्ड टेंडन की बीमारी कहते हैं। ये मैंगनीज की डेफिशिएंसी से होता है और जिंक का भी इसमें थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन होता है। तो मैंगनीज और जिंक का अगर अनुपात आप सही कर देंगे, एक अच्छा मिनरल मिक्सचर आप उसके फीड में मिक्स कर देंगे, तो आपको इस समस्या से निजात मिल जाएगी। तो ये 3 कारण हो सकते हैं उसके। पहले आप देख लीजिए, प्रारंभिक अवस्था में है तो मैरेक्स डिसीज के कारण हो सकता है, उस अवस्था में आपको उसको हटाना ही होगा। और अगर विटामिन और मिनरल की डेफिशिएंसी से ये प्रॉब्लम हो रही है तो संतुलित मात्रा में विटामिन और मिनरल्स को दे करके इन समस्याओं से निजात पाई जा सकती है। बिल्कुल, आइए अब आगे बढ़ते हैं। इस वक्त अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका सवाल लेते हैं। रमन सिंह जी मध्य प्रदेश से इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। रमन सिंह जी स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। हेलो जी रमन जी, मेरी आवाज मिल रही है क्या आपको? हाँ जी जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। कृपया टीवी की आवाज बंद रखिएगा। जी बंद रख के करूं? जी जी, सवाल पूछिए। रमन जी कृपया टीवी की आवाज बंद रखिए, बातचीत में रुकावट आ रही है। सीधे सीधे फोन लाइन के जरिए बातचीत करें, अपना सवाल पूछ सकते हैं। सर हाँ जी, सर सर मैं बतखों के बारे में पूछ रहा था, क्या हम लोग? चलिए रमन सिंह जी, टीवी की आवाज कृपया बंद कर दीजिए, बातचीत में रुकावट आ रही है। क्या हम लोग बतख को बिना पानी के भी रख सकते हैं, तालाब वगैरह नहीं है तो? ठीक है जी डॉक्टर शुक्ला, बतखों को सामान्यतः अगर आप बगैर पानी के भी पालना चाहते हैं तो पाला जा सकता है, और कोशिश करें कि उसके लिए आसपास एक छोटा सा पानी की व्यवस्था कर दें। खासकर हमारे यहाँ पे जो थोड़े से बड़े टब्स होते हैं, अगर उनको भी अगर आप रख देते हैं, वो बतख का एक नेचुरल इंस्टिंक्ट होता है पानी के पास जाना, तो अगर उसकी व्यवस्था करते हैं तो ज़्यादा नेचुरल कंडीशन में रह पाएगी। बट हाँ, अगर आप चाहते हैं कि बतख को प्योर शुष्क अवस्था में पाला जाए तो वो भी पॉसिबल है। अगर आप कुछ बातों को ध्यान में रखते हैं तो उन चीज़ों को भी किया जा सकता है, पर उस हालत में आपको पीने की पानी की मात्रा और आसपास थोड़े से पानी का प्रबंध आवश्यक रूप से करना होगा। बिल्कुल, तो रमन सिंह जी उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। डॉक्टर शुक्ला आपसे जानना चाहेंगे, जैसे कि आपने बातचीत में भी बताया कि समस्या का समाधान ढूंढे इससे अच्छा है कि बचाव करें, तो ऐसे में टीकाकरण बहुत ही उम्दा एक व्यवस्था है जिसे अपना सकते हैं बतख पालक, तो बताएं इसके बारे में कब और कैसे टीकाकरण कराना चाहिए? देखिए, टीकाकरण की जहाँ तक बात आती है, पूर्व में भी मैंने कहा कि जो विषाणु जनित रोग हैं या जो वायरल डिसीजेस हैं उनसे बचाव संभव है टीकाकरण के माध्यम से, और जो जीवाणु जनित रोग हैं या बैक्टीरियल इन्फेक्शन्स हैं उनके लिए हमको कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने यहाँ पे इतनी सुरक्षा और संरक्षा करें अपने पक्षियों की कि ये इन्फेक्शन या ये जीवाणु उन तक ना पहुँच पाए। और तीसरे तरीके का जो इन्फेक्शन है वो या तो फंगल हो सकता है और या परजैविक या परजीवियों या पैरासाइट्स के द्वारा हो सकता है। इसमें से तीनों चारों में से जो विषाणु जनित रोग होते हैं, जो वायरल डिसीजेस होती हैं, उनको आप टीकाकरण के माध्यम से अपने पक्षियों का उन बीमारियों से बचाव कर सकते हैं। सामान्य तौर पे मैं एक आपको स्टैंडर्ड वैक्सीनेशन प्रोग्राम के बारे में बता देता हूँ, परंतु इस नोट के साथ कि आप जिस भी इलाके में बतख का प्रबंधन कर रहे हैं, बतख पाल रहे हैं, वहाँ के अपने लोकल पशु चिकित्सक से इस बारे में मशविरा आवश्यक रूप से करें
इसलिए कि उस इलाके में कौन सी बीमारी प्रेवलेंट है, कौन सी बीमारी होती है, कौन सी बीमारी सामान्य तौर पे होती है, उनके बारे में जानकारी रखने के उपरांत ही पशु चिकित्सक आपको टीकाकरण प्रोग्राम आपका आपके लिए बना करके आपको देंगे। सामान्य तौर पे जो टीकाकरण होता है उसमें जो जीरो डे होता है, जिस दिन चूजा हैचरी से बाहर निकलता है उस दिन एक वैक्सीन लगाया जाता है, जिसको हम मैरेक्स डिसीज़ का वैक्सीन बोलते हैं या एमडी का वैक्सीन बोलते हैं। 1 से 2 सप्ताह में सबसे इम्पॉर्टेंट, जो आपको शुरू में भी आपने देखा होगा कि डक वायरल हेपेटाइटिस होता है, उससे बचने के लिए जो टीका लगाया जाता है। उसके बाद जो हम अगला वैक्सीनेशन लेते हैं वो 2 से 3 सप्ताह की अवस्था में वो हम लोग फाउल पॉक्स का वैक्सीनेशन लेते हैं जी। उसके बाद फिर रानीखेत, और रानीखेत के बाद अगर आवश्यकता पड़े तो जो डक का वायरल एंटेराइटिस होता है उसके वैक्सीन की व्यवस्था करते हैं। बिल्कुल, तो कई तरह की बीमारियों से बचाव हो सकता है अगर समय पर टीकाकरण करवा लिया जाए। डॉक्टर शुक्ला, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां दी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। तो जाना आपने विस्तार से कि बतकों को स्वास्थ्य से जुड़ी किस तरह की समस्याएं हो सकती है और कौन कौन से बचाव के उपाय हैं जिन्हें आप अपना सकते हैं अपने बतकों को स्वस्थ रखने के लिए। उम्मीद है कि ये जानकारियां आपके लिए ज़रूर काम की होंगी। और इसी के साथ आपको बता दें कि अगर आप पशुपालक हैं और पशुओं के स्वास्थ्य से जुड़ी किसी समस्या से जूझ रहे हैं तो आप अपनी समस्या हमें लिखकर भेज सकते हैं ईमेल के माध्यम से। ईमेल आईडी है ddkisan@gmail.com। उम्मीद है आप अपने सवाल जरूर भेजेंगे और उन सवालों को हम इस कार्यक्रम में जरूर शामिल करेंगे। इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, आप बने रहें दूरदर्शन के साथ पर। नमस्कार।